सच्चा वाक्य न्यूज को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हर खबर मिले आपको। पहले आपको हिसार की जनता ने सम्मान दिया, आपको लगता है कि इस बार भी उसी तरह सम्मान देंगे आपको? मैंने काम कर कर दिखाया है और हिसार का प्यार जो मिल रहा है अपने आप में एक ताकत बनकर वो दिख रहा है पूरे देश के अंदर। अगर आज सबसे ज्यादा विकास कार्य किसी एक लोकसभा में हुए विपक्ष में होने के नाते तो हिसार के अंदर हुए। लेकिन चौधरी बीरेंद्र सिंह जी कह रहे थे आज उनसे मिलना हुआ कि आपने कोई काम नहीं किया और आपका तो घर भी वहाँ नहीं है, वो ऐसा कहना चाह रहे थे। ये आपका कैमरा मोड़ जब मैं पैदा हुआ था 1988 के अंदर तब इस घर के अंदर आया था, आज तक इस घर के अंदर हूँ। और वीरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं, मैं तो उनसे पूछता हूँ, वो स्टील मंत्री हैं, हिसार तो स्टील नगरी है, एक एविडेंस बताएं उनने हिसार में इंडस्ट्री स्टील की उठे उसके लिए काम किया। वो तो ऐसे लोग हैं जो शोर ज्यादा करते काम नहीं करते। 5 साल मंत्री रहे, ग्रामीण विकास के सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट अगर लैप्स कराए कैंसिल कराए तो हिसार के वीरेंद्र सिंह जी ने कराने का काम किया। आज वीरेंद्र सिंह जी बताए कि स्टील की इंडस्ट्री की ग्रोथ के अंदर उनने क्या काम किया। पेयजल मंत्री थे, पेयजल के बाल संबंध के जो प्रोजेक्ट थे उनको उनने कैंसिल करने का काम किया। ये तो उनकी छोटी सोच दिखती है। जहाँ पास पहला पासपोर्ट सेवा केंद्र खुला हिसार में खुला, पहला वाईफाई विलेज बना तो हिसार के अंदर बना, 250 से ऊपर गाँव में पीने के पानी के टैंकर पहुंचे तो हिसार में पहुंचे, 250 गाँव में फॉगिंग मशीन पहुंची तो हिसार में पहुंची, 400 मिनी लाइब्रेरियां अलग अलग प्राइमरी स्कूल तक हमने पहुंचाने का काम किया। अगर ये विकास नहीं है तो वीरेंद्र सिंह जी बता दे कि मोदी का वो विकास जिसका इंतजार 5 साल से कर रहे हैं वो कब आएगा और कब आके हिसार का उद्धार करेगा। आप अपना निकटतम प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं हिसार में? मैं ये मानता हूँ कि आज दो सोच हमारे आगे है, एक सोच कांग्रेस 10 साल इस प्रदेश को लूट खाने का, 70,000 एकड़ जमीन लूटी, और दूसरी ओर जातिवादक सोच बीजेपी की प्रदेश को बांट रही है और इन दोनों को सत्ता से बाहर करना हमारा लक्ष्य है। आप संदेश क्या देना चाहेंगे हिसार की जनता को? मैं तो हिसार की जनता से यही आग्रह करूंगा कि जिस प्रकार से 5 साल मैं उनकी आवाज बनकर उतरा हूं, पार्लियामेंट के अंदर हिसार को पूरी दुनिया में एक मुकाम देने का काम किया, आज आपकी जिम्मेवारी है कि आप दुष्यंत बनकर अगले 14 दिन मैदान में उतरकर मेरी आवाज बनकर इस मैदान को संभालने का काम। ऐसा माना जा रहा है कि इनेलो आपको एक टक्कर दे सकती है, आपको क्या लगता है? आपको बच्चा पार्टी माना जाता है, बार बार कहती है इनेलो एग्जिस्ट करती है, आपने इनेलो के बारे में कभी सुना है इस चुनाव प्रचार के अंदर? मैं तो ये शर्त के साथ कह सकता हूँ कि जितने हमारे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट पर वोट आएंगे पूरी इनेलो 10 की 10 पे उतरे ले तो मैं मान जाऊंगा। और एक चीज और, आपके नेक्स्ट कार्यक्रम क्या रहेंगे हिसार के लिए? देखिए अभी तो मैंने महेंद्रगढ़ भिवानी का कल का दौरा, परसों भवानी खेड़ा का मैम का दौरा है और इस प्रकार से हिसार के अंदर कार्यक्रम चलते रहेंगे। फिर एक रोड शो है जिसमें अरविंद केजरीवाल जी आएंगे और उसके साथ एक बड़ी रैली पूरी लोकसभा की हम 7 तारीख को हिसार में करने का काम करेंगे। थैंक यू सर।